घाटकोपर पूर्व विधानसभेच्या इतिहासात प्रथमच भव्य गुढीपाडवा निमित्त नववर्ष स्वागत शोभायात्रा शनिवार दिनांक 2 एप्रिल रोजी आमदार पराग शाह यांच्या पुढाकाराने काढण्यात आली. घाटकोपरमध्ये सर्व जाती धर्माचे लोक आनंदाने राहतात. सर्व धर्म संभावाचे विशेष दर्शन या कार्यक्रमामुळे घाटकोपरमध्ये दिसून आले. आमदारांच्या पुढाकाराने हिंदू नववर्षानिमित्त विविधतेत एकता या मूल मंत्रानुसार घाटकोपर पूर्वमध्ये मोठ्या उत्साहात नववर्ष शोभायात्रा काढण्यात आली. मागील 2 वर्षापासून कोरोनामुळे कोणतेही सण साजरे करता येत नव्हते. आजपासून कोरोनावरील निर्बंध हटवल्याने या शोभायात्रेला हजारोंच्या संख्येने घाटकोपरवासियांनी हजेरी लावली होती व यात वेगळाच उत्साह लोकांमध्ये दिसून येत होता. याच कारणास्तव भव्य दिव्य स्वरूपात पुन्हा नव्या जोमाने सर्व नागरिक एकत्र येऊन जल्लोषात सण साजरा केला. नववर्षाचे स्वागत करण्याकरिता आमदारांनी या शोभायात्रेत नागरिकांना सोबत घेऊन 6 रथांचे आयोजन केले व या प्रत्येक रथात समाजानुसार त्यांच्या संस्कृतीचे दर्शन नागरिकांना घडवले असून त्यात अनुक्रमे मराठी, कोळी, गुजराती, दक्षिण भारतीय, जैन व इतर समुदायांचे संस्कृतीचे देखावे तसेच राम मंदिरचा प्रतिरूप देखावा या रथांवर साकारण्यात आला होता. तसेच या रथांसोबत त्या त्या समाजाची वेशभूषा परिधान करून नागरिकांनी पायी मिरवणूक काढली. तसेच संबंधित समाजानुसार नृत्य प्रकार उपस्थितांनी सादर केले. या मिरवणुकीत पारंपरिक नाशिक ढोल, तुतारी वाद्य, लेझिम, वारकरी समुदायांचे विविध वाद्य व खेळ प्रकार, दक्षिण भारतीय खेळ, नृत्य प्रकार दिसले. खऱ्या अर्थाने घाटकोपरमध्ये विविधतेमध्ये एकतेचा संदेश देण्याचा स्तुत्य कार्यक्रम आमदारामार्फत घेण्यात आला. या शोभायात्रेत आमदारांनाही टाळ हातात घेऊन सर्वांसोबत ठेका धरला. या स्वागत यात्रेमुळे नागरिकांनी एक विलक्षण आनंद अनुभवला. सदर शोभायात्रा रायगड चौक पासून सकाळी 8 वाजता सुरू होऊन नायडू कॉलनीकडून 90 फुटी रोड, 60 फुटी रोड वरून टिळक रोड येथे सकाळी 11 वाजता समाप्त झाली. सदर स्वागत यात्रा कोविड नियमाप्रमाणे घेण्यात आली असून स्वच्छतेची विशेष काळजी घेण्यात आली. नववर्ष स्वागत यात्रेचे आयोजन केल्याप्रकरणी उपस्थित सर्व नागरिकांनी आमदाराचे मनपूर्वक आभार मानले. या कार्यक्रम प्रसंगी घाटकोपर पूर्वचे आमदार श्री पराग शाह, नगरसेविका श्रीमती बिंदुबेन त्रिवेदी, नगरसेवक श्री भालचंद्र शिरसाट, जिल्हाध्यक्ष श्री अशोक राय, श्री विनायक कामत, मुंबई सचिव श्री प्रवीण छेडा, श्री विकास कामत, मुंबई महामंत्री श्री संजय उपाध्यायजी, मंडळ महामंत्री श्री जय देसाई, श्री अजय बागळ, मंडळ अध्यक्ष श्री रवी पूज, महिला अध्यक्ष श्रीमती दीपाली ताई शिरसाट, युवा अध्यक्ष श्री प्रशांत शेट्टी, सर्व वार्ड अध्यक्ष, महिला वार्ड अध्यक्षा, युवा मोर्चा वार्ड अध्यक्ष, मुंबई जिल्हा मंडळ वार्ड भाजपा अधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आप सर्वे को शुभकामनाएं. आज हिंदू नव वर्ष शुरू हो रहा है और कोरोना का जो भी बंद दिया गया था, जो भी दिक्कतें थी, वो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 2 दिन पहले उठाई गई है. आज उसके भी उल्लास है, नव वर्ष का भी उल्लास है और एक हिंदू एकता का प्रदर्शन करने के लिए हमने मेरे अंडर में जो 5 वार्ड आते हैं, सभी 5 वार्ड ने अपनी अपनी एक एक थीम बनाई है और आज अच्छी रैली निकाली है. लोगों का सहयोग है और सब खुश है. हमने 5 वार्ड की अलग अलग थीम बनाई है. एक वार्ड ने साउथ इंडियन थीम बनाई है, एक वार्ड ने कोड़ी समाज की थीम बनाई है, एक वार्ड ने गुजराती थीम बनाई है. हमारे साथ काफ़ी संस्थाएँ भी जुड़ी है. अहिंसा के ऊपर भी उन्होंने भी एक थीम बनाई हुई है. पूरे घाटकोपर में आज हर्ष का उल्लास है और सभी कार्यकर्ताओं का मैं शुभकामनाएं देता हूँ, थैंक यू करता हूँ कि आज सभी ने काफ़ी मेहनत की. लास्ट 8 दिन से सब लोग लगे हुए थे, आज उसका परिणाम मिल रहा है. आज घाटकोपर पूर्व विधानसभा MLA पराग भाई शाह, उनके मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में आज हम यहाँ हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा का ये त्यौहार मना रहे हैं. आज ये त्यौहार में हमारा सबसे बड़ा संदेश घाटकोपर और सभी लोगों के लिए एक ही है, विविधता में एकता. विविधता में एकता मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग टेबलोई बनाए गए हैं, उसमें सभी धर्म के लोग, अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग परिधान के अंदर यहाँ पे आए हैं. अलग अलग समाज, अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया गया है. घाटकोपर के अंदर सभी समाज, संस्था और प्रतिष्ठित लोग आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं और सब लोग पूरी धूमधाम से ये त्यौहार मना रहे हैं. और हमारा एक ही संदेश है सबको, विविधता में एकता. और हमारे MLA पराग भाई भी
कोरोना काल से लेके अभी तक इतना कुछ काम किया है, जिसकी वजह से लोग अपने आप हमारे साथ आज यहाँ पे जुड़े हैं। तो हमारा एक ही संदेश है, सब साथ मिलजुल कर रहे और हिंदू नववर्ष की फिर से सबको बहुत शुभकामना। आमचा पराक्षा MLA आणि नगरसेविका बिंदुबेन त्रिवेदी यांच्या माध्यमातून नवीन वर्षाचा गुढीपाडव्याच्या दिवसाचा स्वागत रथयात्रा काढलेली आहे आणि सगळ्यांचा जाती धर्माला घेऊन ही मिरवणूक निघालेली आहे आणि इथे सगळे धर्माचे लोक आहेत, सगळ्यांच्या रथयात्रा निघालेल्या आहेत। तर आजचा दिवस जो आहे खूप आनंदाचा वाटतो इकडे। आज इथे न भूतो न भविष्यती, भविष्य तर होईलच कारण आमचा आमदार पराक्षा आहेत। आज एवढी भव्य दिव्य गुढीपाडवा रॅली न कधी इतिहासात झाली होती, ही पहिल्यांदा एवढी भव्य दिव्य गुढीपाडवा रॅली। विविधतामय एकता, आपल्या भारताची जी संस्कृती आहे, महाराष्ट्र संस्कृती आहे, ही सगळ्या विविधतामध्ये सगळ्या विविध जाती धर्माचे लोक एकत्र येऊन हा गुढीपाडवा सण फार मोठा आपण करत आहोत, त्याबद्दल मी आमदार पराक्षाचे फार फार धन्यवाद करतो। त्यांनी आम्हाला गटमध्ये प्रथमतः अशी रॅली करत आम्हाला धन्यवाद। आज संपूर्ण भारतवासियों को नववर्ष विश्व का नया दिन है, सबको अभिनंदन। आज हमारा चैत्र पृथ्वी का नया साल है, हिंदू का महत्व का साल है ये। घाटकों पर विधानसभा के लोक लाड़ीले नेता पराग शाह ने आज नया साल की खुशी में आज बहुत बड़ा रैली का आयोजन किया है। हिंदुत्व के लिए ये घाटकों पर में पहला अवसर है कि सब पूरे जितने सनातन धर्म है घाटकों पर के सब मिलकर यहाँ आज सब इसमें स्वागत करते हैं और भाग लिया है। हम तहे दिल से पराग शाह का आभार मानते हैं। और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दूं कि आज आर्य समाज का 147वें साल का स्थापना दिवस है। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।